स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक झारखंड अधिविद्ध परिषद हाफ ईयरली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024-25 कहने का मतलब है दोस्तों आज का ये वीडियो अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए यानी इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जिसको हम लोग दोस्तों क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी कहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों क्लास ट्वेल्थ में अगर आप आर्ट्स से हैं, ठीक है, साइंस से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड अधिविद्ध परिषद हाफ ईयरली इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024-25 का इंग्लिश कोर का दोस्तों सबसे वायरल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों हाफ ईयरली में 100% आएगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपसे बिना हम अनुग्रह करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक प्रश्न को देखिए और एग्जाम में तलकम जाके आइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फिर से बोल रहे दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है, और साथ में अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए देखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है, कहता है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, कहने का मतलब क्या समझे, जो इंग्लिश पढ़ता है उसको समझ में आता होगा, जो नहीं पढ़ता है उसको भी समझ में आएगा। कहता है कि रिपोर्ट लेखन में घटना का वर्णन हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है, किस प्रकार लिखते हैं, अरे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई मीडिया वाला है, ठीक है, मीडिया वाला रिपोर्टिंग कर रहा है, किस चीज को दिखाता, प्रेजेंट फॉर्म को, नहीं सर नहीं, तो सिंपल फ्यूचर, अरे ये भी नहीं सर, तो इंटरमीडिएट पास्ट फॉर्म, सर ये तो लग रहा देखा लग रहा, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई भी अगर रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी रिपोर्टिंग करता है तो दोस्तों वो पास्ट टेंस को दिखाता है, यानी कि पास्ट चीज को दिखाता है, भूतकाल को दिखाता है, मतलब जैसे कि कहा जाता है कि नेपाल में बाढ़ आया था, मतलब कि कब आया था, कल आया था, और उसके बारे में आज न्यूज पर चलेगा कि नेपाल में देखिए इस प्रकार से घर बहा, इस प्रकार से जो है जमीन अंदर जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से स्कूल गिर रहा है, तो ये तमाम चीजें के माध्यम से रिपोर्टिंग किया जाता है, इसका मतलब कि पास्ट फॉर्म में रिपोर्टिंग किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछेगा तो दोस्तों आप इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, ठीक है, गलत नहीं करना। और साथ में दोस्तों आपका जो एग्जाम के लिए जो बोर्ड एग्जाम है ना, इसमें दोस्तों आप पिछले क्वेश्चन को देखिए, आप पिछले ईयर के, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद दो नंबर देखते हैं, क्या बोलता है, दो नंबर भी बोलता है कि यू आर द सुधांशु एंड सुनिधि, ठीक है, मान लीजिए कि आप सुधांशु और सुनिधि हैं, जो गर्ल्स देख रही है वो सुनिधि मान ले अपने आप को, जो बॉयज देख रहा है वो अपने आप को सुधांशु मान ले, इन द ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ अ डे लाइक रॉबरी व्हेन द, ठीक है, इवेंट्स वेयर प्रेजेंट इन अ हाउस व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट, बहुत लंबा चौड़ा था, जी हाँ बहुत लंबा था, तो चलिए इसको हिंदी में समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने आप को सुधांशु या सुनिधि है, समझ लेते हैं, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टाफ रिपोर्टर हैं, ठीक है, कौन आप टाइम्स ऑफ इंडिया के स्टाफ रिपोर्टर है, देखिए कितना अच्छा बात हो रहा है, ठीक है, आप एक दिन दहाड़े डकैती घटना को लेकर कवर करने के लिए कहा गया है कि जब के घर में, ठीक है, जब घर के मकान मालिक मौजूद थे, रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या होगा, मतलब सर फिर नहीं समझे, अरे मान लो अपने आप को तुम सुधांशु या सुनिधि हो, ठीक है, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों आपको स्टाफ बना दिया, आपको बोलता है रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, आप इंसिडेंट मतलब कोई केस हो गया तो, ठीक है, दिन दहाड़े डकैती हो गई, इस पर आप किस प्रकार से आप इन्फॉर्म करेंगे यानी कि रिपोर्ट करेंगे, तो दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि एरोबी इज द माय बेस्ट फ्रेंड हाउस ए लाइट रोबी या फिर दोस्तों ए डिलाइट, ठीक है, डिलाइट रोबी, इसका मतलब मेरे दोस्त के घर में डकैती हल्की डकैती दिन दहाड़े डकैती, अरे सर यहाँ पर तो देखे दिन दहाड़े डकैती यहाँ पर था ना डिलाइट रोबी, अरे सर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर है यार, आप लोग इतना देरी लगा रहे हैं बोलने में, ठीक है, बताइए अगर क्वेश्चन का आंसर पता बताते चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीन नंबर, लेटर टू एडिटर आर रिटन फ्रॉड, ठीक है, अरे सर ये तो बहुत बार पूछा है और मैं आपको 100% ये घोषणा करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम अगर आप देंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 में सभी तमाम विद्यार्थी जो कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के हैं, तो दोस्तों ये जो लेटर टू एडिटर है इस पर आपको लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा, जो कि 5 नंबर में है, 5 नंबर 5 मार्क्स जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, तो लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, अरे किसके लिए लिखा जाता, न्यूज पेपर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूज पेपर, ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चार नंबर। चार नंबर कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन फॉर द लेटर टू एडिटर। क्या बोलता है सर? बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संपादकों का पत्र के लिए सबसे उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त अभिवादन है, मतलब सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, ठीक है, किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे लेटर टू एडिटर को, ठीक है, पत्र, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग कह सकते हैं मोस्ट रेस्पेक्टेड सर मैडम, मिस्टर एडिटर, मिसेज एडिटर, नहीं, लविंग सर, लविंग मैडम, सर मैडम, क्या भरेंगे? तो चार का भरेंगे सर मैडम। अगर आप लेटर एडिटर लिख रहे हैं तो कोई मोस्ट रेस्पेक्टेड एक्सपेक्टेड का बात नहीं करेंगे, सीधा सर है तो सर बोलेंगे, मैडम है तो मैडम जी बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांच नंबर। ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, का मतलब, मतलब बोलता है नोटिस एक औपचारिक साधन है। किसका साधन है नोटिस? औपचारिक साधन किसका है? ट्रांसपोरेशन का, इंटरटेनमेंट का, न्यूज का, तीनों में से एक को करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। नोटिस किसके लिए बताया जाए तो संचार, जिसको हम लोग सूचना बोलते हैं। कम्युनिकेशन यानी कि सूचित किया गया कि आज फलना दिन को स्कूल बंद है और ढकना दिन को स्कूल खुलेगा, इस प्रकार से तो बोलता है सर लोग, ठीक है। छह नंबर, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड, का बोला? बोला कि लेख लेखन में निष्कर्ष में शामिल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं शामिल होना चाहिए? तो दोस्तों अगर आप कंक्लूजन लिखेंगे, मान चलिए आप आर्टिकल लिखे, ठीक है, आर्टिकल में क्या होता है? टाइटल होता है, हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, फिर कंक्लूजन होता है जो कि इसका पूरा सार होता है कि आप उसके बारे में निष्कर्ष बताएं, ठीक है। तो उसमें क्या आप नहीं जोड़ेंगे, क्या नहीं जोड़ेंगे, बताइए बताइए बताइए। ये अपील, ऑर्डर, मेजर, सजेशन। अरे सजेशन, मेजर, अपील तीनों जो लेंगे, लेकिन ऑर्डर उसमें थोड़ी ना बोलेंगे, सलाह दे रहे हैं कि मेरा आर्टिकल को पढ़ो। अरे नहीं पढ़ेगा उसे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए जितना क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको आशा करता हूं कि आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चन का आंसर, जवाब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और दोस्तों एक और जरूरी बात, अगर आप लोग क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए दोस्तों इंग्लिश कोर का क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोग इंग्लिश कोर का क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 199 रुपये जो फी रखा गया, बहुत ही मिनिमम फी, जो कि एग्जाम वक्त तक दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग दोस्तों ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी प्रकार का आपको एजुकेशन वहाँ पर मिलता है, ठीक है, एकदम मस्त तरीका से एकदम चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाता है हिंदी मीडियम, ठीक है। तो अगर करना चाहते हैं तो दोस्तों इस पर नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई संकोच या फिर दिक्कत की बात नहीं है। और नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए सात नंबर, विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ ए आर्टिकल राइटिंग, लेख लेखन का एक घटक कौन सा है? लेख लेखन का एक घटक कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों ग्रेटिंग द ऑडियंस, हेडिंग, टाइटल, सेचुलेशन, थैंकिंग द ऑडियंस। अरे सर का बोल दिया, ये तो बोल देता है कि आर्टिकल के लिए दोस्तों कंपोनेंट, आर्टिकल राइटिंग के लिए तो हम भी अभी तो आपको जस्ट बताएं क्या होता है, टाइटल होता है, हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है, कंक्लूजन होता है। यार ये चारों चीज कहाँ मेरा, दो वो चीज मिला, क्या क्या मिला? टाइटल और हेडिंग मिला। तो ऑप्शन नंबर बी को बोलिए ना कि सही तो है, ठीक है। चलिए आठ नंबर, विच कंट्री वॉज द डिफीट इन द फ्रेंको प्रुसियन, ठीक है, प्रुसियन वॉर। आ गया ना बुक से एंटर हो गया, ठीक है, जो कि चैप्टर वन का है, ठीक है, द लास्ट लेसन, एमएमएल वाला, ठीक है, और फ्रेंच वाला। क्या बोलता है दोस्तों? बोलता है कि फ्रेंको प्रशियन युद्ध में किस देश की हार हुई? आपको पता होगा किस देश का हार हुआ था? फ्रांस का हार हुआ था। तब तो आपका दो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस पर दोस्तों क्या बोलता है कि अब फ्रांस का पढ़ाई नहीं होगा, जर्मन का पढ़ाई किया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। चलिए फ्रांस का हार हुआ था, ठीक है, और इसमें जर्मनी जीत गया था। नौ नंबर, द रेग पिकर, ठीक है, हैव नो आइडेंटिटी बट द हैव। रेग पिकर के बाद दोस्तों, रेग पिकर कोरा बिनने वाले के पास कोई पहचान नहीं होती, लेकिन उसके पास होता है, लॉस्ट स्प्रिंग में से आ गया, ठीक है। लॉस्ट स्प्रिंग में कौन वाला है? साहेब वाला है कि आपका कौन था जी, मोहन था कि क्या पता, ठीक है, भुला रहे थोड़ा यार, ठीक है। तो दोस्तों कौन वाला था? रेग पिकर में दोस्तों बताया जाता है कि किसी प्रकार का आपके पास पहचान पत्र नहीं, लेकिन एक चीज होता था, क्या होता था? तो राशन कार्ड होता था। और राशन कार्ड दोस्तों पॉलिटिशियन लोग इसलिए देता था ताकि आप उसको क्या कर सके, वोट मार सके, ठीक है, इस प्रकार से लालची बना दिया। दस नंबर, हाउ ओल्ड वाज क्या डगलस व्हेन ही वांट टू द कैलिफोर्निया बीच। डगलस की उम्र कितनी थी वह, ठीक है, जब वह कैलिफोर्निया बीच पर गया था? कभी गए हैं आप?
आप कभी गए हैं कैलिफोर्निया बीच पे, तो काहे याद रखेंगे डगलस के बारे में, याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछ देगा ठीक है कि डगलस कब गया था कैलिफोर्निया बीच पे, तो उसका उम्र कितना था, कितना था ठीक है। तो 10 का दोस्तों 3 से 4 साल का था ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 11, डगलस हैड एंड ठीक है एब्रेसिव ट्वाट, कहने का मतलब है कि डगलस को किससे घृण थी, नफरत थी, किससे, वाटर से, वाटर से, मतलब याद आया, अरे डीप वाटर वाला चैप्टर से क्वेश्चन है ठीक है, कैसे वो बार बार डूब जाता था ठीक है, बोलता था तल पे मारेंगे सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे ठीक है इस प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर कहाँ बोल रहा है कि इन अ पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, मतलब दोस्तों कहाँ बोल रहा है, पेडलर वाला मतलब रेट रेप से दिया गया है ठीक है, द पेडलर के अनुसार दुनिया कैसे दिखती है। अरे सर यही तो बात है कि जो पेडलर था क्या बनाता था, तो रेट रेप बनाता था, क्या बनाता था, तो रेट रेप बनाता था, रेट रेप बोले तो चूहा दानी बनाता था ठीक है। तो पेडलर के अनुसार वो समझता था कि ये पूरा दुनिया एक चूहे दानी की तरह है जो कि घुसते जा रहा है उसमें फंसते जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए रेट रेप ठीक है, रेट ट्रेप ठीक है, रेट ट्रेप नहीं रेट ट्रेप। आगे बढ़ते हैं 13, ट्रेप का मतलब होता है जाल ठीक है, और रेट का मतलब चूहा, कि व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वर्वेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, आ गया ना इंडिगो चैप्टर से, इंडिगो चलिए ठीक है, इंडिगो से, और इंडिगो से दोस्तों एग्जाम में ठीक है एक आपका का था शुक्ला वाला ठीक है, शुक्ला वाला पूरा नाम याद नहीं आ रहा ठीक है, उससे दोस्तों एक 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा 100% आएगा, सब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में हम बात करें ठीक है, राजकुमार शुक्ला याद आ गया नाम ठीक है। चलिए तो दोस्तों 13 नंबर बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का लखनऊ वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, ये हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था दिसंबर 1916 में ठीक है, और इसी प्रकार का प्रश्न आपको पूछेगा राजकुमार शुक्ला के बारे में ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, हम हिंदी में बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलेगा स्टेटमेंट द फॉलो ठीक है। 14 नंबर पिंकेज वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, अरे मेकअप मटेरियल, ये भूलने वाला चीज है कि पिंकेज किसका ब्रांड था ठीक है। देखिए दोस्तों इसी प्रकार का क्लास आपका होता है, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन होना चाहते हैं ठीक है, अगर आप लोग समझ रहे कि 199 पे बहुत बड़ा है, तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि 199 पे बहुत ही कम है ठीक है, जो कि आपके एग्जाम तक के लिए हेल्प करेगा और एकदम अच्छा क्वालिटी में आपको दोस्तों पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप करके क्लास अटेंड कर सकते हैं, यानी कि जोर में जोड़ सकते हैं ठीक है, क्लास को जोर आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है पिंकेज किसका ब्रांड था, तो मेकअप मटेरियल का, सर अभी तो बता दिए हैं, तो सी हो जाएगा 14 का सी नंबर ठीक है। तो चलिए क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। 15 नंबर हु वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था सर, मालिक कौन था उसका ठीक है, मालिक कौन था, तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं 15 नंबर में कि मिस्टर वसन ठीक है। चलिए 16 नंबर हु रेफरेंड इंटरव्यू ऑर्डरल, अब आ गया ना इंटरव्यू से, इंटरव्यू दोस्तों काफी लंबा चल रहा है ठीक है, क्या बोलता है साक्षात्कारकर्ता को किसने परीक्षा कहा ठीक है, ऑर्डरल कहा ठीक है, इस पे परीक्षा कहा ठीक है। तो दोस्तों 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एच जी वेल्स ने ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर दोस्तों आपका 17 नंबर हु वेयर सोपी एंड जेनी, तो सोपी और जेनी कौन था, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा ठीक है। तो सोफी और जेनी कौन था दोस्तों, तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर ठीक है, यानी कि सिस्टर और क्लासमेट दोनों था ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 से 20 नंबर की ओर, और ये जो आप अस्टेंजा जो दिख रहा है ठीक है, क्या बोला था 20 नंबर में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ठीक है। गिव द एक्सटेंट एंड द गिवन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन टू 18 to 20 ठीक है, यहाँ पर जो इसको देख रहे हैं दोस्तों ये आप हल्के में इसको मत लीजिए ठीक है, मैं दोस्तों 100% आपका राइट बोल रहा हूँ, अगर आपको भरोसा नहीं है ठीक है, तो पिछले जो आप वर्षों का क्वेश्चन को देखिएगा ठीक है। तो दोस्तों ये वाला स्टेंजा आपको बहुत ही बार मिलेगा देखने को ठीक है, बहुत ही बार रिपीटेड मोड में ठीक है। इसमें दोस्तों ये बोलता है फिशरमैन से वाला में ठीक है, इस पावला नरुडा वाला है ठीक है, जो कि आपका पोएट ठीक है, इसका कवि था, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड मैन ऑफ द गेडेंस आर्ट वुड लुक एट द हॉट हैंड, कहता है दोस्तों क्या कहता है कि ठंडे समुद्र में मछुआरे वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वाले आदमी अपने चोटिल हाथों को देखेंगे ठीक है,
और आपको पता दोस्तों कि जो नमक बनाने का काम करता है दोस्तों, उसके बारे में कहानी पता होगा, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही खतरनाक बात है, ठीक है। चलिए 18 नंबर, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, ठीक है, इस पोएम का पोएट कौन है, कवि कौन है, अभी तो आपको बताया पाब्लो नेरुडा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, ठीक है, क्या बोलता है, What does the poet expect the fisherman to do? दोस्तों यहाँ पर क्या बोलता है, कभी मछुआरे से क्या करने की अपेक्षा करती है या फिर करता है, तो दोस्तों यही करता कि हार्म नॉट हार्म टू द वेल, यानी कि वो किसी प्रकार के वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ नमक ही निकालेगा, ठीक है। चलिए और कुछ नहीं वो करेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, 20 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों, 20 नंबर आपसे बोल रहा है कि टू मैन गेटिंग सॉल्ट विल लुक एट दिस, मतलब दोस्तों कि नमक इकट्ठा करने वाले आदमी अपने क्या देखते हैं, चोटिल हाथ को देखते हैं, ठीक है, हंट हार्ट हैंड को देखते हैं, जो कि बहुत ही भयंकर दिखता है, ठीक है, और बहुत ही खुरखुरा दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अभी क्या है, हम आपको पार्ट वन दिखाएं, ठीक है, अभी हम क्या दिखाएं आपको, पार्ट वन पूरा दिखा दिए, ठीक है। पार्ट वन में दोस्तों यहाँ तक हम लोग 20 क्वेश्चन तक कवर किए, पार्ट टू का क्वेश्चन मैं जरूर लेकर आऊंगा, जिसमें 21 से लेकर 40 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करना है तो दोस्तों इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, और पेमेंट करने के बाद आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और नीचे पार्ट टू के लिए दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों जरूर कीजिएगा, सपोर्ट थोड़ा बनाए रखिए, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए। चलिए आज वीडियो के रखते हैं।